अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाद इकबाल रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट शाओमी मी 5S के बारे में और शाओमी मी 5S प्लस के बारे में। व्यूवर्स, ये दो अलग सेट हैं जो कि अलग फ़ोन हैं, स्मार्टफोन हैं, जो कि शाओमी कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, रिलीज़ किए गए हैं सन 2016 अक्टूबर में। और इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इनकी प्राइस क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए आप, अगर आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जानना चाहते हैं, इन दोनों के दरमियान कि इन दोनों की स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं शाओमी मी 5S के बारे में। व्यूअर्स, इसमें जो है सबसे पहले जो हम जिक्र करते हैं वो है कैमरा। इसका 12 मेगापिक्सल कैमरा है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर हम इसी के मुकाबले में 5S प्लस की बात करें तो उसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा है जो कि इससे ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इसका इफेक्ट लाजमी बात है प्राइस पर ज़रूर पड़ेगा। इसकी जो शाओमी मी 5S प्लस की जो है रैम है वो 6 GB रैम है, एंड इसकी जो बैटरी है वो 3800 mAh बैटरी है। और अगर इसके मुकाबले में हम बात करते हैं 5S की, तो उसके जो रैम है वो 4 GB की है और उसका 3200 mAh जो है बैटरी है उसकी। इसके अलावा अगर हम इसकी दीगर चीज़ों की तरफ आते हैं, जैसे कि इंटरनल मेमोरी है, और तो इसकी भी 64 GB है, एंड जो प्लस है उसकी भी 64 GB, इसमें कुछ चेंज नहीं किए गए। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम 5S प्लस का जो है वो 6.0 एंड्रॉयड है, और अगर हम बात करते हैं 5S की सिंपल की तो वो भी 6.0, इसमें उन्हें कोई चेंजेस नहीं की गई। और इसके अलावा जो कैमरे वगैरह में एंड रैम में और बैटरी में तो लाजमी बात है डिफरेंस हैं, लेकिन इन चीज़ों में, इसकी मेमोरी में और इसकी जो है दीगर ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें कोई नहीं है। इसका जो अगर हम इसके वज़न की बात करें तो 145 ग्राम वज़न है शाओमी मी 5S का, और अगर हम बात करते हैं प्लस की तो उसका जो वेट है वो 168 ग्राम है, इससे थोड़ा सा वो ज़्यादा है, वज़न में भी ज़्यादा है। तो अगर हम शाओमी प्लस की बात करें, अगर सिम की बात करें तो डुअल सिम है, नैनो सिम है, डुअल सिम स्टैंड बाई है। और इसके अलावा अगर हम सिंपल 5S की बात करते हैं तो उसमें भी आप कह सकते हैं डुअल सिम है और एक नैनो सिम डुअल स्टैंड बाई है। इसके अलावा साइज 5.15 इंच है, और जो प्लस है वो आप उसको कह सकते हैं कि वो 5.7, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है कि वो उसकी जो उसका साइज़ है वो थोड़ा सा सिंपल से ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 64 GB में और रैम 4 GB हो गई, और प्लस की जो है वो 6 GB होगी, और जो इंटरनल मेमोरी है उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। तो व्यूअर्स, आखिर में मैं ज़रूर आपको प्राइस के बारे में बताने जा रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ और डिफरेंस है तो मैं वो आपको बता देता हूँ। ब्लूटूथ 4.2 इस्तेमाल किया गया है सिंपल में, प्लस में, एंड जो सिंपल जिस प्लस के में तो 4.2 इस्तेमाल किया गया, एंड ब्लूटूथ इसमें भी जो वर्जन है 4.2 वो इसमें चेंज, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम 4.2 इस्तेमाल किया गया, उसमें 4.2 इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अगर सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसके अलावा काफ़ी सारे गैरो एंड प्रोमेट्री एंड कंपास वगैरह, इस तरह के जो ज़बरदस्त किस्म के सेंसर हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं सिंपल में, एंड जो प्लस है उसमें आप कह सकते हैं उसमें भी बैरोमीटर वगैरह का एक आध सेंसर का तो इजाफा है, लेकिन वो इतनी सेंसर के हिसाब से इतनी वो उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। मतलब है कि वो जो फर्स्ट वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था जो चेंजेस थी कैमरा वगैरह की, उसी के हिसाब से एंड साइज़ में थोड़ा फ़र्क है। सिल्वर ग्रे और गोल्ड और रोज़ गोल्ड में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं शाओमी 5S प्लस को, और शाओमी मी 5S को आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं
इस वक्त जब आप इसको परचेज करें, सिल्वर, ग्रे एंड गोल्ड एंड रोज गोल्ड में भी इसको आप इसके इनके कलर के हिसाब से बात करें तो कोई खास चेंजेस नहीं है। और अब हम आते हैं फाइनल चीज़ प्राइस के बारे में। तो प्राइस जिस तरह इनका जो डिफरेंस था स्पेसिफिकेशन का, प्राइस का भी उतना ही की डिफरेंस है, कुछ खास ज़्यादा नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से बात करते हैं तो 22,000 रुपये जो Xiaomi Mi 5S Plus है उसकी प्राइस है 22,000, और जो सिंपल है Mi 5S तो उसकी प्राइस जो है वो 20,000 है। 2,000 का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। बाकी डिफरेंस जो इन चीज़ों का है, जिन स्पेसिफिकेशन का है, वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। तो व्यूअर्स, अगर आप के परचेज़ करना चाहते हैं तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, और अगर आप कोशिश करें कि आप प्लस ही परचेज़ करें, क्योंकि 2,000 रुपये कोई इतना मैटर नहीं करता। जब 20,000 बंदा कर लेता है तो 2,000 करने में भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं रहती। तो कोशिश करें, मेरी तरफ से मेरा जो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये कि प्लस परचेज़ करें। वैसे आगे आपकी मर्ज़ी, आप जो जिस फ़ोन को मर्ज़ी परचेज़ करना चाहते हैं और किस हिसाब से आपका बजट है, या आप खुद रिसर्च कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। और मुझे अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।